मैं हूं नंदकिशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर। नमस्कार, मैं आज आपके सामने एक संपूर्ण नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। विषय का नाम है महात्मा गांधी का उड़ीसा आगमन 100 साल पहले, अर्थात एक शताब्दी हो गया है कटक में महात्मा गांधी का आगमन का। 23 मार्च को महात्मा गांधी का प्रथम पदार्पण कटक की भूमि पर हुआ था और आज कटक उड़ीसा उनके 100 साल के आगमन का ऐतिहासिक दिवस मना रहा है। इसी विषय पर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ शब्द कहने के लिए। 1921 में मार्च में जब महात्मा गांधी 23 तारीख को कटक आए थे, उसके 4 महीना पहले अर्थात दिसंबर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की का एक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित हुआ था। उस अधिवेशन में उड़ीसा से, कटक से चुने हुए लोग उत्कलमणि पंडित गोबंधु दास के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में शामिल होने के लिए उड़ीसा से गए थे और वहाँ उत्कलमणि पंडित गोबंधु दास के प्रथम मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। उसी समय उत्कलमणि पंडित गोबंधु दास ने उनको उड़ीसा आगमन के लिए निमंत्रण दिया था एवं उल्लेखनीय है कि उत्कलमणि पंडित गोबंधु दास उस समय उड़ीसा में प्रथम जो कांग्रेस समिति का गठन हुआ था, उड़ीसा उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके प्रथम अध्यक्ष थे उत्कलमणि पंडित गोबंधु दास। वे बहुत बड़े नामजादा पत्रकार भी थे और नामी गिरामी वकील भी थे और बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े त्यागी पुरुष भी थे। उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने फिर कहा था कि ठीक है, अगले साल फिर फरवरी या मार्च को मैं कटक अवश्य आऊँगा। और गांधी जी ने अपनी बात पर कायम रहते हुए मार्च 23 को उन्होंने कटक का दौरा किया। वे जब आए मार्च 23 को तो कलकत्ता से कटक आए थे। पूरी हावड़ा एक्सप्रेस जो उड़ीसा की एक बहुत मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है, उसी हावड़ा पूरी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर महात्मा गांधी अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी और अपने छोटे बेटे देवदास गांधी के साथ में कटक रेलवे स्टेशन पर उतरे थे 21 मार्च भोर 4 बजे कटक की धरती पर उन्होंने पांव रखा। और ये खबर आज के जैसे आज टेलीविज़न है, समाचार पत्र हैं, दैनिक संवाद पत्र हैं, रेडियो है, टीवी है, वेब टीवी है, डिजिटल मीडिया है, आज तो संचार के और संसाधन के बहुत सारे माध्यम हैं लोगों को प्रचार प्रसार करके लोगों को खबर देने के लिए। उस समय तो कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल एक उस समय साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी उड़िया में, वो भी दैनिक समाज जो आज है, उस समय साप्ताहिक समाज हुआ करता था। तो 1921 के मार्च महीने के एक संस्करण में साप्ताहिक समाज में जिस दिन महात्मा गांधी जी ने कटक में अपना कदम रखा, उसके 3-4 रोज पहले साप्ताहिक समाज में पंडित गोबंधु दास जो उस समय के उसके एडिटर थे, उन्होंने लिखा था कि 21 तारीख सुबह 4 बजे महात्मा गांधी कटक पधारेंगे। ये खबर सारे उड़ीसा में उड़िया साप्ताहिक समाज द्वारा सारे उड़ीसा में फैल गई थी और लोग सब 3-4 दिन तक इंतजार कर रहे थे कि कब 23 मार्च आएगा, कब हम कटक जाकर महात्मा गांधी को दर्शन करेंगे, महात्मा गांधी के चरण स्पर्श करेंगे। वो दिन भी आ गया 23 मार्च 1921 का। उसके पहले दिन रात को हजारों आदमी सारे उड़ीसा से आकर कटक रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर एवं उसके आसपास रेवंसा कॉलेज से लेकर स्टेशन के बीच में जितनी भी, उस समय तो ज़्यादा भीड़भाड़ एरिया भी नहीं था, सब खाली मैदान जैसा ही था, तो वहाँ पर लोग पड़े हुए थे हजारों की संख्या में। लोग बाहर से आए थे मीलों मील चलकर, कोई पूरी से, निराकारपुर से, जगत सिंहपुर से, केंद्रापाड़ा से, जाजपुर से, भद्रक से, कहाँ कहाँ से, 100-100 किलोमीटर दूर पर से चल के लोग पैदल। उस समय आवागमन का भी कोई साधन नहीं था, कटक आए थे हजारों की संख्या में। एवं और एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय स्वराज आश्रम जो अभी साहबजादा बाजार, यहीं बालू बाजार के पास में साहबजादा बाजार है, गणेश घाट के पास साहबजादा बाजार जहाँ पर स्वराज आश्रम है, उस समय स्वाधीनता संग्राम का मेन पीठ उड़ीसा का वही था स्वराज आश्रम। कटक का भी वही था, उड़ीसा का भी वही था।
और स्वराज आश्रम से 22 तारीख अर्धरात्रि मतलब करीब 11:30-12 बजे से 22 मार्च को करीब 11:30-12 बजे से एक संकीर्तन दल महात्मा गांधी को स्वागत करने के लिए आधी रात को वहाँ से निकला था स्टेशन, और मेन रोड वहाँ से साहबजादा बाजार से वो आए गणेश घाट के भागवत गादी छक, वहाँ से बाजू बाजार, नया सड़क, चौधरी बाजार, गौरीशंकर पार्क, दरगाह बाजार, तीनकोना बगीचा, बक्सी बाजार, मणिसाउ छक, मंगलाबाग, नुआपटना, मंगलाबाग, रानीहाट, कोजे छक होते हुए स्टेशन पहुँचा था। वो संकीर्तन दल जो बहुत प्रसिद्ध संकीर्तन दल है कटक में, उसका नाम बास्तरी संकीर्तन दल, 72 लोगों की मंडली, 72 समूहों का एक मंडली कटक में बहुत सक्रिय संकीर्तन दल। उस समय वो 72 समूह की मंडली सारे कीर्तन करते हुए आधी रात को निकले थे स्टेशन के लिए महात्मा गांधी के स्वागत के लिए। उन्होंने करीब 1.5 घंटा वो संकीर्तन करते हुए आधी रात से स्वराज आश्रम वो लोग कटक स्टेशन पर पहुँचे, और वो जब कीर्तन मंडली वहाँ पर पहुँची तो देखते हैं हजारों आदमी महात्मा गांधी जी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जमाना उस समय था, 100 साल पहले की बात है, उस समय इलेक्ट्रिक भी नहीं थी कटक में, और जो मेन रोड इत्यादि है उस समय केरोसिन लैंप जलते थे कटक म्यूनसिपल्टी की तरफ से। उस समझिए कि अर्ध लाइट जो केरोसिन लैंप जो चलती थी उसका बहुत कम ही रोशनी होती थी, उस अर्ध लाइट में भी हजारों की संख्या में संकीर्तन करते हुए लोग पहुँचे। उसी तरह हजारों की संख्या में लोग सारे उड़ीसा से महात्मा गांधी को देखने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे थे कटक रेलवे स्टेशन। जैसे ही 4:00 पोल फटते ही महात्मा गांधी वो ट्रेन में जिसमें वो आ रहे थे हावड़ापुरी एक्सप्रेस में, वो डब्बा उस समय तथा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो जो तीसरे थर्ड क्लास के डब्बे में महात्मा गांधी जी, उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके छोटे बेटे, जैसे ही उस देवदास गांधी जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरे, तुरंत सबसे पहले उनको स्वागत अभ्यर्थना स्वागत सत्कार किए पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास, जो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उस समय सभापति भी थे और समाज साप्ताहिक के संपादक भी थे और कटक के एक अच्छे वकील भी थे और बहुत बड़े विद्वान थे वो। उन्होंने सबसे पहले उनको फूलमाला पहनाई महात्मा गांधी जी को, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी को, उनके बेटे को भी स्वागत सत्कार किए, और वहाँ तिल धरने की भी जगह नहीं थी उस समय, 4:15 का समय था और हजारों की संख्या में लोग भीड़ एकत्रित थी। कोई कहाँ कहाँ से, कोई चूड़ा लेकर अपने घर से आया था, कोई चावल लेकर आया था, वो मतलब बहुत सारे लोग, इवन स्त्रियाँ भी उस समय बहुत सारी आई थी गांव देहात से। और महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे भयंकर लग रहे थे उस समय, बारंबार हजारों लोग महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। ऐसा नज़ारा जो हुआ न भूतों न भविष्यति, ऐसा नज़ारा शायद कटक रेलवे स्टेशन पर 100 साल के अंदर कभी नहीं हुआ होगा और शायद ही कभी आने वाले समय में हो सकता है। फिर जब लोग इतनी संख्या में आ गए, हजारों की संख्या में आ गए, संकीर्तन दल आ गए, बाहर से लोग आ गए, तो पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास और एक थे कंद्रापाड़ा के बहुत बड़े प्रख्यात स्वाधीनता संग्रामी जदुमणि मंगराज, और उस समय कांग्रेस के सेक्रेटरी हुआ करते थे भागीरथ महापात्र, इन तीनों चक्कर में पड़ गए कि क्या कैसे अब गांधी जी को कैसे हम बाहर लेके जाएं, ये तो कोई तिल धरने की भी जगह नहीं है, कोई गांधी जी को एक मिनट के लिए ढीला छोड़ने वाला भी नहीं है, और जैसे सब के सब जैसे गांधी जी को आज पाकर बहुत खुश हैं, उनके दर्शन के लालायित थे, उनके चरण स्पर्श को लालायित थे, ऐसी हालत में गांधी जी को वो लोग फिर अपने आपस में मंत्रणा कर गांधी जी को थोड़े समय के लिए वहाँ, उस समय का जो रिटायरिंग रूम था उस समय गांधी जी और उनके परिवार के सदस्यों को वहाँ ठहराया गया। आपस में ये लोग किए मंत्रणा की, आपस में चर्चा किए कि कैसे कैसे क्या करें। उसी समय फिर एक गाड़ी आई, गाड़ी में ये लोग पहले से वो गाड़ी तैयार भी थी, और गाड़ी में महात्मा गांधी, उनके परिवार, उनकी धर्मपत्नी और उनके छोटे बेटे देवदास को गाड़ी में बिठाया गया, और आगे आगे जनता, पीछे पीछे गांधी जी की गाड़ी।
और जनता ने केवल संकीर्तन दल और जनता संकीर्तन दल ढोल मृदंग नगाड़े बजा रहे थे और कीर्तन करते करते जा रहे थे और पूरे रास्ते में महात्मा गांधी की जय वंदे मातरम भारत माता की जय जयकारे लग रहे थे। और आलम यह था कि स्टेशन पर गांधी जी की कार थी तो लोग रानीहाट ब्रिज के पास तक थे, इतनी जबरदस्त भीड़ हजारों की संख्या में उस समय थी। आस्ते आस्ते कारवां बढ़ता गया, धीरे 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 गाड़ी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, सारे रास्ते पर औरतों ने कटक की, महिलाओं ने, बच्चियों ने, सब ने फूलों की बरसात की महात्मा गांधी पर, उनके परिवार के सदस्यों पर और पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास के ऊपर। आस्ते आस्ते कारवां बढ़ता गया, रानीहाट तक पहुंचा। रानीहाट के पश्चात मंगलाबाग, नुआपटना, बक्सी बाजार, तीनकोणिया बगीचा, दरगाह बाजार, चौधरी बाजार, नया सड़क, बाजू बाजार होके वो आस्ते आस्ते फिर निमचोड़ी और निमचोड़ी से फिर बायां मुड़ के वो स्वराज आश्रम में गांधी जी पहुँचे। ये जो 3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर की यात्रा है, इसको पार करने के लिए गांधी जी को लगा 2 घंटे का समय, जबकि एक साधारण आदमी अगर एक कार से अगर जाना चाहेगा तो 5 मिनट के अंदर में पहुंच सकता है, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर। उस समय गांधी जी को लगा 2 घंटे का समय। गांधी जी जैसे तैसे भीड़ से पार करते हुए वो पहुंचे स्वराज आश्रम। वहाँ स्वराज आश्रम में भी सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे गांधी जी के एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए। वहाँ भी मजमा बहुत ज़बरदस्त था, वहाँ भी लोग बाग इंतजार कर रहे थे। वहाँ लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई, गांधी जी का चरण स्पर्श किए। फिर गांधी जी अपने नित्य कर्म खत्म करके करीब 10 बजे तैयार हुए लोगों को दर्शन देने के लिए। उसी समय खबर आई, ब्रिटिश सरकार का शासन था, अंग्रेजों का शासन था कटक में, उड़ीसा में। उस समय उनकी खबर आई कि स्वराज आश्रम के पास में ही अंग्रेजों की कचहरी थी, और जो आज भी है, आज सरकारी कचहरी, उस समय अंग्रेजों की सरकारी कचहरी थी। तो उस समय खबर आके पहुंची कि कटक में आज गांधी जी की जो आम सभा होने वाली है वो सभा अब नहीं होगी। पूरा कटक शहर में 144 धारा लगा दी गई थी। अब कैसे क्या किया जाए एन मौके पर, जबकि सब शासन प्रशासन को उस समय खबर भी थी, 3-4 रोज के पहले ही खबर थी कि गांधी जी 23 मार्च को सुबह आ रहे हैं हावड़ा पुरी एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा, और उनकी एक सभा का कार्यक्रम भी तय है। और अचानक 10 बजे अंग्रेज सरकार ने कटक में 144 धारा लगा दी, अर्थात 4-5 आदमी से ज़्यादा समूह में कोई आदमी रुक नहीं सकता। अर्थात गांधी जी की जो सभा आज होने वाली है कटक शहर में, वो गैरकानूनी घोषित कर दी गई अचानक। लेकिन उस समय भी जो हमारे बड़े बड़े स्वाधीनता सेनानी थे, पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास, जदुमणि मंगराज, भागीरथी महापात्रो वगैरह, उन्होंने आपस में मंत्रणा की, आपस में चर्चा की क्या कैसे किया जाए। गांधी जी स्वयं भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, पंडित गोपबंधु दास भी बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने एक पंडित गोपबंधु दास के मन में एक आया नुस्खा आया कि क्यों नहीं हम लोग गणेश घाट पर नदी बालू में गांधी जी की सभा आयोजन करें, क्योंकि कटक शहर में लगा है लगी है 144 धारा, नदी बालू के ऊपर कोई 144 धारा नहीं लगी। आदमी नदी बालू पर जाने आने सुनने बैठने करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए उनके दिमाग में ये जो बात आई, उक्ति आई, उसी समय गांधी जी बहुत खुश हुए पंडित गोपबंधु दास के मन की जो उक्ति आई थी कि हाँ वो ठीक रहेगा। और उस दिन शुभ दिन होली का था, 1921 23 मार्च को होली पूर्णिमा थी उस समय, तो उस दिन भयंकर गर्म थी और 4 बजे तक बहुत भयंकर गर्म रही। अब सब लोगों ने कैसे क्या किया जाए, ये तो 11 बजे दिन के 11-12 बज चुके थे, 4-5 घंटे पश्चात मीटिंग होनी थी। तो तुरंत उस समय के जो कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 2 नगाड़ा लोगों को दे के स्टेशन से लेकर वहाँ स्वराज आश्रम तक नगाड़ा बजाते बजाते खबर देते देते लोगों को काम सौंप दिया कि आप लोग आज जाके बोलिए कि शाम 5 बजे आज कारजोड़ी नदी बालू पर महात्मा गांधी संबोधन करेंगे हमारे कटक की उड़ीसा की जनता को। और उसी के आदेश अनुसार ही 2 बड़े बड़े नगाड़ेबाज नगाड़ा बजाते बजाते ढोल बजाते बजाते स्टेशन से लेकर स्वराज आश्रम तक, उनको भी 2 घंटा लगा,
सारे जगह जगह पर उन वो लोग खड़े होते थे और नगाड़ा बजाते थे कि सुनिए सुनिए, जैसा हम लोग पिक्चर में भी देखते हैं, सुनिए सुनिए विशेष खबर, आज शाम को 5 बजे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज विशेष सभा होने जा रही है, साधारण सभा होने जा रही है। चूंकि कटक शहर में 144 धारा लग चुकी है, इसलिए यह विशेष सभा साधारण सभा का आयोजन पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास के नेतृत्व में गणेश घाट स्थित नदी बालू पर किया जाएगा। ऐसी सबको जब सूचना मिली, लोग बाग बहुत खुश हो गए कि कुछ ना कुछ देखे रास्ता निकल गया है, भगवान ने रास्ता निकाल दिया। और 4 बजते-बजते लोगों के हजारों की संख्या में लोग कारजोड़ी नदी बालू पर पहुंच गए, जबकि उस समय इतना गर्म था, नदी बालू भी एकदम गर्म थी, उस गर्म को भी बेखातिर करते हुए लोग वहां पर पहुंचे। और काठ की वहां पर 4 बजे पश्चात वहां पर सारा देखरेख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सारा देखरेख किया जा रहा था। लोगों के घरों से खटिया वगैरह भी आई थी और एक बड़ी खटिया के ऊपर बड़ी चौकी, जो चेयर जिसको बोलते हैं कुर्सी पर महात्मा गांधी जी बैठे थे, आज भी वो कुर्सी कटक में है, उनके म्यूजियम में रखी हुई है स्वराज आश्रम में। वो कुर्सी पर महात्मा गांधी बैठे थे, कुर्सी के सामने पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास खटिया पर बैठे थे और कुर्सी के बगल में कुर्सी और डाली गई थी नीचे की तरफ, उस पर कस्तूरबा गांधी जी बैठी थी। और सर्वप्रथम स्वागत भाषण दिए वहाँ पर उड़ीसावासी की तरफ से, कटकवासी की तरफ से, पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास की तरफ से भव्य स्वागत संवर्धना दिया गया। एवं स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि आज कटक की भूमि, उड़ीसा की भूमि पवित्र हो गई है महात्मा गांधी के यहाँ पर आगमन होने से। वो उनको उदाहरण के हिसाब से उन्होंने एक बात और कही कि ठीक 300 साल पहले, अर्थात 1921 के 300 साल पहले 1621 में चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल से चले थे पदयात्रा करते हुए और पूरी पहुँचे थे, उनके भी एक विशेष संकीर्तन दल कारजोड़ी नदी पर ऐसे संकीर्तन कर रहा था। उस दिन भी होली का दिन था और उन्होंने कहा आज भी होली का दिन है। 300 साल पहले एक महात्मा आए थे चैतन्य महाप्रभु, 300 साल के पश्चात और एक महात्मा आए हैं गांधी जी, और वो आए थे लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, धर्म भाव पैदा करने के लिए, ये भी आए हैं जागृति पैदा करने के लिए, स्वाधीनता के संदेश देने के लिए। ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चमत्कार स्वागत भाषण लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लोगों ने बहुत तालियां बजाई, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में उनका भाषण चलता रहा। तत्पश्चात ठीक 5 बजे, करीब 4:30 बजे पंडित गोपबंधु दास ने अपना स्वागत भाषण बोलना आरंभ किया था, ठीक 5 बजे महात्मा गांधी जी ने अपना भाषण आरंभ किया। और वो जो भाषण दिए, सबसे पहले उन्होंने कहा पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात गुलामी का जीना कोई जीना नहीं है, आज़ादी का जीना ही जीना है, गुलामी का जीना कोई जीना में नहीं गिना जाता। उन्होंने इसलिए पराधीन सपने हूँ सुख नाही के बारे में तात्पर्यता के साथ में बहुत अच्छा से बहुत सारे उदाहरण देके उन्होंने बताया। अब मैं आपको सामने और बताऊं, उन्होंने अब बार बार में लोगों को कहा कि यह आज़ादी का ये जो अभी सपना है, हम हिंदू मुसलमान भाइयों में आपस में एकता का भाव रखना चाहिए, किसी आपस में सद्भाव जितना रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और अगर भेदभाव रखेंगे तो हमारी आज़ादी मिलने में बहुत कठिनाई आएगी, और भी बहुत साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। और अंग्रेजों की पॉलिसी रही है हमारे आपस में फूट डालो, राज करो, आपस में भेदभाव रखो, ऐसी अंग्रेजों की पोजीशन रही है। तो हमेशा हम लोगों को साथ में ही रहना चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने छुआछूत के बारे में विरोध में भी बात कही कि यहाँ कोई भी जो है भारत में छुआछूत वाली बात मत रखिए, क्योंकि सब हम लोग भारतवासी हैं, सब बराबर हैं, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊँचा नहीं है, कोई भी गरीब अमीर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपस में सब बराबर हैं। इससे छुआछूत वाली बात भूल जाइए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, देश को आज़ादी दिलानी है, सबको कंधे से कंधे मिलकर काम करना है। करीब 1 घंटे तक उनका भाषण चलता रहा और उनके भाषण के बीच बीच में अनुवाद करते रहे युवा नेता जदुमणि मंगराज, बहुत ओजस्वी वक्ता थे जदुमणि मंगराज। और उस समय देखिए मजे की बात यह है कि ना तो लाउड स्पीकर की व्यवस्था थी, ना ही कोई लाइट की व्यवस्था थी, कटक शहर में उस समय लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी आई नहीं थी। और करीब 6:30 बजे तक वो सभा चलती रही 1.5 घंटे के करीब, क्योंकि गांधी जी करीब 1 घंटे स्पीच अपने भाषण दिए और उसको आधा पौन घंटे तक
उसको ट्रांसलेट करने में लगा जदुमणि मंगराज जी को। 6:30 बजे तक सभा का कार्य चलता रहा, एकदम शांत शिष्ट वातावरण में, कहीं कोई गंडगोल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। और बीच बीच में लेकिन हाँ जरूर महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम का स्लोगान चल रहा था। तत्पश्चात महात्मा गांधी वहाँ के सभा कार्य को खत्म कर वह स्वराज आश्रम में वापस चल जाए। उन्होंने रात्रि यापन किया स्वराज आश्रम में। इस तरह महात्मा गांधी ने अपने एक दिन के उस समय के एक दिन के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कटक में स्वाधीनता की अलग जगह दी, स्वाधीनता की ज्योति जला दी। और लोग बाग महात्मा गांधी का भाषण सुनने के लिए जो लोग दूर दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आए थे, उनमें भी एक नया जोश, नई तरंग, नया उन्माद पैदा हो गया। महात्मा गांधी जी को वहाँ पर पाकर, उनके उनके चरण स्पर्श करकर, उनके भाषण सुनकर, और उस समय जो अलख जगाई महात्मा गांधी ने 1921 में, वो आगे जाके फिर उड़ीसा भी बंगाल बिहार से स्वतंत्र हुआ 1936 में, फिर आगे जाके 1947 15 अगस्त में देश स्वाधीनता को प्राप्त किया। इस तरह महात्मा गांधी का जो कटक का आगमन है बहुत ही ऐतिहासिक तौर पर स्वर्णिम अध्याय उड़ीसा के स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उड़ीसा के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा स्वर्णिम अध्याय वाला दिन माना जाएगा। 23 मार्च 1921 को जो आए थे उस दिन से आज हो गया 100 साल पूरा, एवं आज उनकी प्रथम कटक उड़ीसा यात्रा के अवसर पर, शुभ अवसर पर एक सुबह रेलवे स्टेशन से बड़ी शोभा यात्रा, शांति संदेश शोभा यात्रा युवकों के द्वारा और नेताओं के द्वारा सरकारी प्रोत्साहन से एक शोभा यात्रा निकली कटक रेलवे स्टेशन से, वही मेन रोड पर होते हुए स्टेशन बाजार, कॉलेज छक, रानीहाट, मंगलाबाग, नुआपटना, बक्सरबिहार होते हुए, नया सड़क होते हुए बालूबिहार से फिर स्वराज आश्रम तक पहुंची है। उन्हीं के याद में 100 साल पहले जो महात्मा गांधी जी आए थे उन्हीं की याद में आज कटक शहर और उड़ीसा उनकी शताब्दी, उनके प्रथम आगमन के शताब्दी समारोह मना रहा है। थैंक यू।